Assalamualaikum, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to our channel. आज का जो व्लॉग है बड़ा ही स्पेशल है फॉर अस फॉर यू एज वेल. आज है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि आप लोग डिज़र्व करते हैं अच्छी अच्छी खबरें सुनना भी. हमारी सारी अच्छी और बुरी खबरों का आप लोगों को पता होना चाहिए एज़ यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू अस. तो चलते हैं इसके लिए सना के पास, वो अच्छे से बता सकती है. तो चलते हैं सना के पास. सना, कहाँ भाग रही हो? रुको, इधर जवाब दो. यस, हाय, हाउ आर यू? तो हम लोगों ने आज कुछ शेयर करना था इन लोगों से. कोई इतने दिनों से हम लोग अक्सर टेंशन शेयर कर रहे होते हैं. मुझे शर्म तो मैं कैसे शेयर करूं? मुझे शर्म आ रही है. आई कांट. ओके, तो मैं बता दूं. तुम बता. अच्छा, एक्चुअली अच्छा, अलहम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग आवर थर्ड चाइल्ड. माशाल्लाह. तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बेबी आ जाता तो आप लोग कहते ये कौन है, कहाँ से आया और क्यों आया. किसी और का है. तो आप लोगों को, और इंशाल्लाह बस विद इन अ वीक डिलीवरी हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हमें शायद आई डोंट नो क्या कहा जाए, लेकिन शायद मुझे अकेले जाना पड़े लेबर के लिए. क्योंकि मिकाइल और आयलिन घर पे होंगे तो मेरी मदर होंगी, ना इनकी मदर होंगी, ना ये खुद मेरे साथ होंगे शायद, जो कि मुझे लगता है. तो शोर शराबा ज्यादा होगा, बच्चे ज्यादा होंगे. अच्छा, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम दोनों को ही नहीं पता था दैट वी आर एक्सपेक्टिंग. एंड कंप्लीटली अनप्लान्ड बेबी, कंप्लीटली. जब पता चला तो लिटरली मैं रो रही थी लिटरली. और ये इसका चेहरा भी रोने वाला ही था तकरीबन. तो बिकॉज हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था. हमारे सारे प्लान ये थे कि हमने जाना है, आयरलैंड का प्लान हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी. सॉरी टू इंटरप्ट यू. हम लोगों का सीन ये था, हम लोगों का प्लान था कि बाहर हम लोगों ने जाना है, आउट ऑफ कंट्री निकलना है. अप्लाई हम लोगों ने किया हुआ था बहुत सारी जगहों पे, लेकिन कंफर्म नहीं था अभी ना. तो बस प्लान में था. जब ये पता चला तो वी वर सरप्राइज. और सना का एग्जाम था 27th of Feb को सना का एग्जाम था. और जनवरी सेकेंड वीक में हम लोगों को पता चला, तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए. मुझे सिर्फ ये था कि मैं एग्जाम के लिए, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन ये थी कि मैं एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है. मेरी फर्स्ट टू प्रेगनेंसीज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज ऑलवेज समथिंग, यू नो, जिसमें मैं रातों में उठ उठ के वॉमिटिंग्स करती थी और बहुत ज्यादा हो जाता है इसको, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी. और मैं कह रही थी कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगी, लाइक इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. एग्जाम बड़ा महंगा था, 3.5 लाख रुपए, 3,70,000 रुपए हम लोगों ने एग्जाम के पे किए हुए थे. चलो खैर है, एग्जाम का मिलना बहुत बड़ी बात है. सीट बहुत मुश्किल से मिली थी, वो एग्जाम पाकिस्तान में वो भी सेकंड टाइम रहा था, तो बड़ी मुश्किल से सीट मिली थी हमें. हम बैठे हुए थे लैपटॉप के ऊपर ही. और कितना मुश्किल डिसीजन है, आई मीन इट वॉज सो अनप्लान. और फिर हम लोग डर डर के, अम्मी लोगों को भी नहीं बताया, छुप छुप के सोनोलॉजिस्ट के पास गए. हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया, देखा तो हार्ट बीट आ चुकी थी. अच्छा, मिकाइल उधर आ गया था अपने कार्टून से ला के बैठा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग बाहर चल के बात करते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे भी बात कर सकते हैं. नहीं, तो सीन कुछ ऐसा था कि नहीं, ये भी तो हम लोग अंदर से बाहर आ गए, क्योंकि बच्चे वहां पर आ चुके थे. था, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हमारी पिछली वीडियोस की वजह से भी आप लोग बहुत डिस्टर्ब रहे, दैट्स यू नो. और बच्चे वाले घर में तो ये होता ही है. तो वेल, सबसे ज्यादा टेंशन अपने एग्जाम की थी, कि मेरी पहली दो प्रेगनेंसीज थी, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज वेरी बैड, लाइक लिटरली वेरी बैड. मुझे ये था कि मैं तैयारी कैसे कर पाऊंगी, ये मेरा एग्जाम कैसे होगा, तो बिल्कुल पीक टाइम होगा. और मैंने मतलब, और जब हमने मिकाइल बहुत पीक टाइम होता है और उसमें तैयारी करना, आई मीन मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि वो मेरा थर्ड मंथ होगा
थर्ड या सेकेंड मंथ होगा और वो बिल्कुल वो टाइम होगा जिसमें मुझे बहुत वॉमिटिंग होंगी और मैं तैयारी कैसे करवाऊंगी. बट शी डिड दैट एग्जाम. और चलो महंगा एग्जाम इज समथिंग एल्स. महंगा एग्जाम इज समथिंग एल्स. और था भी वाइवा बहुत लंबा चौड़ा. सिर्फ उस एग्जाम का मिलना मुश्किल था. लाइक वो एग्जाम इतना इजीली नहीं मिल सकता था. बहुत जल्दी जल्दी बुक हो रहे थे वो एग्जाम पाकिस्तान में, तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए. जो डॉक्टर लोग हम लोगों को देख रहे होंगे वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे MRCS B की सीट मिलना कितना मुश्किल होता है. खैर वो सीट पे मिल गई थी और उसके बाद बड़ी मुश्किल से इसने प्रिपरेशन की. एंटीएमेटिक्स खा कर 20 मिनट पहले खाती थी और उसके बाद प्रिपरेशन करती 2-3 घंटे जब तक इफेक्ट रहता था मेडिसिन का. तैयारी करती थी. सॉरी फिर से अंदर आना पड़ रहा है. सना कह रही है बुरा लगेगा बार बार तुम अंदर आ रहे हो बाहर आ रहे हो. तो थक गई हूँ अभी से. तो बहरहाल फिर हम सोनोलॉजिस्ट के पास गए बगैर किसी को बताए. सबसे पहले तो उसमें वो वीक हार्ट बीट आ चुकी थी. वो 7th week था और हम लोग फिर बहुत ज्यादा थोड़ा और कंसर्न हुए. हम लोगों ने कहा बस अब हम कुछ नहीं सोच सकते इसके लिए. अब हम लोगों ने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 7th week में ही हार्ट बीट आ गई थी. वरना ना मिकाइल के टाइम पे 7th week में हार्ट बीट आई थी, ना आयलैंड के टाइम पे 7th week में हार्ट बीट आई थी. तो यार ये क्या है, ये बेबी एक तो सरप्राइज है और बस इतना बड़ा सरप्राइज वाला हार्ट बीट भी है. अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. फिर उसके बाद हम लोगों ने हैप्पीली वेलकम किया इस बेबी को. और हमारा कम्युनिकेशन गैप भी थोड़ा बहुत होता. सना पूरा दिन प्रिपरेशन करती थी, मैं हॉस्पिटल में होता था, मैं रात में बहुत लेट नाइट आता था, मैं बहुत थका हुआ होता था. तो वो टाइम बड़ा हमारा क्रिटिकल था. वो खैर गुजर गया और जनवरी का मंथ था. हमें पता ही नहीं था कि अब और आगे क्या क्या होने वाला है, कितने चैलेंजेस हम लोगों ने फेस करने हैं. फिर मुझे इंटरव्यू की कॉल आई. इसी दौरान ही मुझे इंटरव्यू की कॉल आई. इंटरव्यू में आई थिंक इंटरव्यू और बस फौरन सारे काम होते गए. आइलिन का पासपोर्ट तक नहीं बना हुआ था. वो हम लोगों ने रिसोर्सेस यूज की और उनका बहुत बहुत शुक्रिया. वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनकी वजह से आज हम लोग टाइम पर पहुंच गए. नहीं तो हम लोगों को बहुत लेट हो जाना था. क्योंकि जैसे पासपोर्ट्स का चल रहा था टाइम, पाकिस्तान में पेपर्स खत्म हो गए या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई. खैर जैसे कैसे करके सब कुछ हो गया. हम लोगों का वीजा भी आ गया और फिर सना का एग्जाम था. सना का एग्जाम की वजह से हम लोग रुके रहे. सना का एग्जाम हुआ 27th February और हम लोग 13th March को वहां से निकले. 14th March को हम लोग निकले पाकिस्तान से. 15th March को यहाँ पे पहुंच चुके थे हम लोग. और खैर हम लोग यहाँ पे खैर खैरियत से पहुंच गए. बट हॉस्पिटल का जो हम लोगों को माइंड में था कि मे बी हॉस्पिटल वाले इशू करें इस चीज को. एग्जैक्टली वो भी एक ट्रॉमा था मेरे लिए बताना. बट सना डिड वेरी वेल. हॉस्पिटल में बहुत अच्छा अच्छी इसकी प्रोग्रेस रही सब कुछ. और लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि ये प्रेगनेंसी को पर्सनल नहीं लेते. चाहे आप लोगों को एक महीना ही क्यों ना हुआ काम को, तो आप लोग मैटरनिटी लीव के लिए एंटाइटल होते हैं. और इधर 6 months की मैटरनिटी लीव होती है जो कि पेड होती है. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. और अगर जो लोग आना चाह रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी और वो ये सोच कर नहीं आ पा रहे कि नहीं हम तो एक्सपेक्ट करें हम लोग उधर जाएंगे तो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, मे बी हॉस्पिटल हम लोग को एक्सेप्ट ना करें, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें. यहाँ पर प्रेगनेंसी को कोई सीरियस तो लेते हैं लेकिन प्रेगनेंसी को सीरियस बहुत लेते हैं, कंसर्न होते हैं. बट प्रेगनेंसी को लेकर आपकी जॉब इफेक्ट नहीं होती नहीं बिल्कुल होते, भी हाँ. तो बिल्कुल नहीं सोचिएगा अगर आप 2-3-4 months प्रेगनेंट हैं, 5 months प्रेगनेंट हैं, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कीजिए, बिल्कुल आइए. अगर प्रेगनेंट भी हैं तो भी बिल्कुल ना सोचिए, आइए. अल्लाह ताला सारे रास्ते खोलता है. बिल्कुल खैर खैरियत से यहाँ पर पहुंचे. और मैटरनिटी की 6 months की लीव मिलती है, उनको अवेल कीजिए और इन्जॉय कीजिए. आपका जो ओवर टाइम है वो आपको नहीं मिलता, बेसिक बेसिक पे भी आपकी अच्छी होती है तो आपका गुजारा अच्छे से हो जाता है. यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं तो आपकी जितनी अर्निंग होती है उतने ही एक्सपेंसेस ही होते हैं तकरीबन. थोड़ा बहुत रेंट है. रेंट तो आपका 50% जाता है, आपकी पे का 50% अकोमोडेशन जाता है. तो ये थी हम लोगों की एक स्टोरी छोटी सी. अब बेबी के आने का टाइम बहुत करीब है तो हम लोगों ने सोचा जल्द से जल्द आप लोगों से शेयर कर लिया जाए, इससे पहले बेबी यहाँ पे आ जाए. मिकाइल डू यू वांट बेबी बॉय और बेबी गर्ल? ब्लू. यू वांट बेबी बॉय और बेबी गर्ल? बेबी आई वांट ब्लू एंड पिंक. बोथ? यस. यू नीड टू सेल वन. नो. आइलिन व्हाट डू यू वांट आइलिन? कॉफी. ओके आई विल सिट विद यू गाइस. ओके
I'll sit with you guys. Now tell me. Guys. You tell me. Guys, take a picture. Okay. Now you tell me, okay? What do you want? Why would you take a picture? Okay, take my picture, Mikhail. Please. No. Take Mama's picture. Okay. Quickly, quickly. Okay. Look, we are smiling. Baby is going quickly, 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 quickly. Baby is coming. I need... दुआ में बहुत ज्यादा याद रखें आप लोग के आगे के जो भी स्टेप्स हैं वो अच्छे से गुजरे और अम्मी अब्बू ना इसकी अम्मी अब्बू है ना मेरे अम्मी अब्बू हैं तो हम लोगों को परेशानी होगी थोड़ी सी बट इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है और यहाँ पे हमारे नेबर्स हैं आयरिश हैं ये लोग भी बहुत अच्छे हैं देखते हैं क्या होता है खैर अभी नहीं पता आगे का कि क्या होने मैं सोचना भी नहीं चाह रहा हूँ तो लेट्स सी इस साल जो भी हुआ है वो हमारे प्लान में कुछ भी नहीं था बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हुई हैं और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने कुछ सोच कर ही ये प्लान किया होगा अल्लाह ऑलवेज हैज गुड प्लान फॉर अस तो अल्लाह पे हमेशा यकीन कीजिए और बस चलते चले जाइए जिंदगी में जो होता जा रहा है आप लोगों के लिए अच्छे के लिए एंड वी डोंट नो द जेंडर येट सो यस हमें नहीं पता जेंडर अभी सरप्राइज फॉर अस सीरियसली जेंडर अच्छा और मैटरनिटी बेनिफिट्स के अलावा एक और चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर कि आपका डिलीवरी का और जो एंटीनेटल विजिट्स होते हैं ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री हियर डिलीवरी भी इंक्लूडिंग डिलीवरी वो भी फ्री है यहाँ पर और हॉस्पिटल विजिट्स जो भी आपके डॉक्टर विजिट्स होते हैं अल्ट्रासाउंड होते हैं वो सब कुछ फ्री है यहाँ पर मेडिसिन आपको खुद लेनी पड़ती लेकिन तो बेफिक्र होके आइए और यहाँ पर इनकी बच्चे पैदा कर बच्चे यहाँ पे बहुत लोग प्रेग्नेंट है एवरी सिंगल पर्सन आयरलैंड में हमारे बेबी आने वाला है इंशाल्लाह आप लोग दुआओं में जरूर याद रखिएगा भरपूर दुआएं कीजिएगा भरपूर दुआएं कीजिए हम लोगों के लिए आप लोगों की दुआ की बहुत सख्त जरूरत है अच्छा रही बात दो बच्चों में पागल हो चुके हैं तीसरे आने के बाद क्या होगा कुछ नहीं पता नहीं क्या होगा अल्लाह अभी से परेशान हूँ मैं खैर अल्लाह मालिक कुछ ना कुछ तो हो अच्छा, जाएगा मैं बता रही थी यहाँ हर कोई प्रेग्नेंट मिलेगा आई मीन पता नहीं क्या बात है आयरलैंड में लेकिन बच्चे उनको बहुत पसंद है शायद अच्छा चाइल्ड बेनिफिट भी है ना चाइल्ड बेनिफिट पाकिस्तान में बलोच और पठान हर कोई प्रेग्नेंट नजर आएगा पहले और जब से यहाँ है आयरलैंड में या तो ये पठान होगी या बलोच होंगे बहुत अच्छे लगता अच्छा रही बात जेंडर की तो हम लोगों को नहीं पता बेबी बॉय या बेबी गर्ल सीरियसली हम लोगों को नहीं पता सना ने इस बार नहीं चाहा कि वो उसको पता हो जेंडर क्या है और मैंने भी नहीं जानना चाहा तो जो भी बेबी होगा वो हम सबके लिए सरप्राइज और नेम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा और हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे नेम सजेस्ट कीजिए यस प्लीज लड़के के भी और लड़की के दोनों के वैसे हम लोग ने भी एक नाम बेबी बॉय का सोचा हुआ है एक बेबी गर्ल का लेकिन अगर कोई अच्छा नाम आ गया तो हम लोग उसको ऑप्ट करेंगे जैसे आयलिन की दफा में हुआ था आयलिन का अकीका था और अकीके वाले दिन ही हम लोग नाम रखते हैं अब्बू रखते हैं नाम ना अब्बू को बता दिया जाता है तो अब्बू फिर दुआ करके रखते हैं नाम तो उसी टाइम हम लोगों ने इंस्टा पे स्टोरी रखी थी और हम लोगों ने हमें नाम का नहीं पता था तो हमें सजेशन मिली थी उन्हीं में से ही हम लोगों ने आयलिन को चूज किया था वो मे भी वो देख रही हूँ वीडियो जिन्होंने नाम बताया था हमें इट्स अ नाइस नेम अच्छा आयरलैंड में आके सब कहते हैं कि आयरलैंड आयरलैंड इज एन आयरिश नेम आयरलैंड इज आयरिश नेम यस तो काफी लोग लाइक करते हैं इस नाम को खैर हमें दुआ में याद रखिएगा इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ओके जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें हमें दुआ में याद रखें बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को लाइक करने का सब्सक्राइब करने मामा, का और मामा, यस आप भी सब्सक्राइबर यस ओके सो लाइक करने का थैंक यू सो वेरी मच यस सब्सक्राइब इज ऑन द कार ओके यस सो दिस इज ऑल यू नो इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते तो बाय थैंक यू सो वेरी मच अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ Do you want boy or baby boy or baby girl? No. I want Kimmy. You want Kimmy? अभी तक इसके ज़हन से किमी नहीं निकल रही है. What do you want? Baby boy or baby girl? No, Kimmy.
But we will present you, baby boy or baby girl. What do you want? It's my present. Yes. So what do you want? A toy? No. You want baby boy or baby girl? Blue? Baby blue or baby pink? Blue. You want baby blue? Yes. Okay. Give me 5. लेकिन मिकाइल और एलिन को भूख लग गई है, बल्कि हमें भी भूख लग गई है, तो जल्दी जल्दी बनाना होगा। ओके भाई, जल्दी जल्दी हम लोग कुछ सा कुछ बनाकर इंशाल्लाह फिर खाते हैं। आगे मिकाइल साहब खाना खा रहे हैं। मिकाइल, मिकाइल आई लव यू डैडी। You love mama or you love daddy? Mama. Yeah. Daddy. I love you. You should love mama too, okay? सैन, अब जल्दी से क्विक सी एक डिश बनाने वाले हैं, पता नहीं कोई अमेजिंग सी। अरे ये डाल रहे हो? हाँ ना, मैंने चिकन का सोचा था। Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last for a lifetime of I love. और एक और चीज भी, इन लोगों की डील में अक्सर कोक और पेप्सी आती है, तो इसलिए भी मैं कम्फर्टेबल, हम दोनों ही कम्फर्टेबल नहीं होते वो खाने में, तो दिल ही नहीं मानना था मंगवाने का। तो फिर सना अभी कह रही है कि लोग कह रहे होंगे कि ये पागलों की तरह शूट के पार्ट में बस खाना खाने के लिए आ गए। मैंने कहा लोगों को कैसे पता चलेगा हम लोगों का शूट हुआ है। सबसे बेस्ट में मुझे यही लगता है खाना बनाने का, इसमें सब कुछ डाल दें आप तो कुछ खुद ही बन जाएगा। रोटी भी बन रही है, पूरी गोल रोटी को देख लिया। कौन कहता है कि डॉक्टर गोल रोटी नहीं बना सकती। You whisper इतनी बड़ी रोटी, ये किसके लिए बन रही है भाई? Why you want sugar? Mikhail, what did you eat? Baby. What did you eat? Yes, mama. What did you eat? अरे मुंह खोला हुआ था, खोल के नीचे देख लिया सारी शुगर। ये रोटी बनी है भाई, बड़ी जबरदस्त बनी है यार। थैंक्स। कहाँ से सीखी तुमने ये रोटी? मैंने ज्यादातर काम जो है ना हॉस्टल में ही सीखा है, क्योंकि हॉस्टल में हमें खुद करना पड़ता था, तो मैंने हॉस्टल में ही ज्यादातर काम सीखा है ये जितना भी है। व्हाट डू यू वांट?
रेगुलर नहीं पढ़ाई की वजह से हॉस्टल में हम बहुत बनाते थे, हॉस्टल में हर चीज बनाई है, हर चीज। यस 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 ऑल बर्निंग ड्रामे वाली। व्हाट डू यू वांट? शुगर। नो। यस। से मामा प्लीज वन। बिग। फर्स्ट से प्लीज मामा। यस। से प्लीज मामा। ओके ओके। ओपन माउथ। शुगर इसको बहुत पसंद है भाई, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं इसको ना दें। से थैंक यू। हम्म, यू नेवर सेड थैंक यू, यू नेवर। Again? Mikai, you have burns in your teeth then. Only one. And then finish, okay? Yeah. Yeah. It's not finished, okay? No, then no one. Just one and then finish, okay? Okay. Yeah. वाओ मजे का लग रहा है। हाँ फिर बनाया है किसने? ये मेरे को बड़ा चम्मच मौजूद नहीं है इस वक्त। है दुलावा नहीं है ब्राउन में। अच्छा दुलावा नहीं है। हाँ बड़ा चम्मच है, सब कुछ है। आप यहाँ किचन में बड़े कम आते हैं तो आपको पता नहीं है कुछ। सॉरी। ओके ओके दैट्स फाइन। ये okay. बस 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 Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last for a lifetime of I love you. I know I've never